समस्या क्या है कि कथाओं में सत्संग में भी हम जाते हैं तो हमारी यात्रा श्रवण तक ही सीमित रह जाती है। भैया श्रवण आरंभ है, इतिश्री नहीं। श्रवण के बाद मनन, मनन के बाद निधिध्यासन, ये कहा गया। जैसे गाय घास चरती है तो घास चरने के बाद फिर आराम से बैठकर वो जुगाली करती है, तो श्रवण के बाद मनन चाहिए। घर पे जाकर फिर टीवी में और सांसारिक बातों में ही मत उलझ जाना, बल्कि चर्चा करना आज कथा में क्या बातें आई थी, आज व्यासपीठ से हमको कौन सा सूत्र प्राप्त हुआ। यहां से कथा के प्रारंभ में